सोशल मीडिया पर बेखौफ बदमाशों के बुलंद हौसले का वीडियो वायरल हो रहा है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र से ये मामला सामने आया, जिसमें एक होटल व्यवसायी का बेटा और उसका दोस्त फायरिंग करते नजर आ रहे। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की बात की। आपको बता दें कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर पेट्रोल पंप व्यवसायी और उनके मित्र का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर आज तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से खुलेआम फायरिंग की जा रही है, खुलेआम दबंग फायरिंग कर रहे हैं और उसके बाद भी इनके ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फायरिंग का ये वीडियो अपलोड किया गया। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां होटल व्यवसायी का बेटा और उसका दोस्त फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। किसी का डर नहीं है, कानून का कोई खौफ नहीं है और बड़ी बात यह है कि इस तरीके की घटना, इस तरीके की हरकत की वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, होटल व्यवसायी के बेटे हैं ये और इनके दोस्त सड़क पर खड़े होकर खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, कहीं भी कानून का कोई डर नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल, आपको बता दें ये रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां दो युवक खुलेआम फायरिंग चला रहे हैं। हालांकि कह सकते हैं पुलिस का कोई खौफ नहीं है इन्हें और रोड पर ये जो किस तरह से फायरिंग कर रहे हैं, हालांकि कह सकते हैं ये वीडियो कल ही वायरल हुआ है और के वीडियो वायरल हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने उनमें भी कार्रवाई की है। अब देखने वाली बात यह होगी इन युवकों पर किस तरह की कार्रवाई होती है। हालांकि रुड़की पहले से ही चर्चाओं में रहा है कि वीडियो वायरल जो फायरिंग की, हर्ष फायरिंग किया वीडियो पहले भी कई बार इनको पकड़ती है और क्या कार्रवाई करती है। जी हिना, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद संजय।